नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। महिलाओं के पैरों की जंजीर बना तालिबान। जी हां, तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20 साल पीछे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तालिबान का सबसे ज्यादा शिकार हो रही है महिलाएं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना असली रूप दिखाना बहुत पहले ही शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। तालिबान अब अफगानिस्तान में अपने क्रूर कानूनों को लागू करना शुरू कर रहा है, और कानून भी ऐसे जो महिलाओं के खिलाफ है, जो महिलाओं की आजादी को छीन रहे हैं। या यूं कहें कि तालिबान फिर अफगानिस्तान को 20 साल पहले ले जाने की कोशिश लगातार कर रहा है। तो महिलाएं लगातार विरोध कर रही हैं। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं, लेकिन उस विरोध का भी कोई परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दो दिन पहले भी महिलाएं इकट्ठा हुई, विरोध करती रहीं इन सभी नीतियों का, इन सभी फरमानों का, लेकिन महिलाओं पर बर्बरता दिखाई गई। और वहां पर जो पत्रकार थे उन पर भी बर्बरता दिखाते हुए तालिबानी लड़ाके नजर आए। और उसके अलावा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए लगातार तालिबान जो है वो क्रूरता की हद पार कर रहा है। तो तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया है। महिला विरोधी फरमान जारी किया गया। अफगानिस्तान को 20 साल पीछे ले जाने की कोशिश लगातार तालिबान कर रहा है। वहीं महिलाओं से उनकी आजादी भी छीनी जा रही है। 20 साल पहले जो आजादी महिलाओं की छीनी थी, तालिबान ने एक बार फिर से वो आजादी छीन रहा है। यूनिवर्सिटी में अबाया, रोब और नकाब पहनकर आएंगी लड़कियां, ऐसे फरमान जारी हुए हैं। इसके अलावा नकाब से पूरी तरह ढका होगा लड़कियों का चेहरा। एक मोटे कपड़े से बुरका बना हुआ है, और इस बुरके को पहनकर ही जो महिलाएं हैं वो आ सकती हैं। लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग अलग चलेंगी, ये फरमान जारी किया गया है तालिबान की तरफ से। अलग कतार में बैठेंगे लड़के और लड़कियां। जहां एक तरफ 21वीं सदी में लड़के और लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो तालिबान लड़के और लड़कियों को अलग कतारों में बिठाने की बात कर रहा है। लड़के और लड़कियों के बीच में पर्दा होगा। छात्रों को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षक रखने का आदेश दिया गया है, यानी कि पुरुष महिलाओं को नहीं पढ़ा सकते। बुजुर्ग टीचरों को मिलेगी नौकरी। अगर कोई महिला टीचर नहीं होती तो बुजुर्ग टीचर जो हैं वो महिलाओं को पढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये फरमान थे जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताए हैं, ये फरमान तालिबान ने जारी किए हैं। तो महिलाओं का विरोध लगातार देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल बख्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल जी, सबसे पहले न्यूज़ पर इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रफुल जी। तालिबान लगातार अपना एक एक करके मुखौटा हटा रहा है, जो तालिबान ने कई दिनों से पहना हुआ था, लेकिन अब असलियत सामने आ गई है। लेकिन महिलाओं के लिए ये बेहद दर्द भरा है। जहां 21वीं सदी में लड़के और लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन तालिबान बीच में पर्दा डालकर पढ़ने की बात कर रहा है। देखिए, ऐसा है, ये तालिबान की पॉलिसी और टीचिंग है, रेडिकल इस्लाम की टीचिंग है, और तालिबान की ट्रेनिंग तो देवबंदी ट्रेनिंग से मायने रखती है। तो हमको उसके वाकिफ हो जाना चाहिए, इससे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि क्या हो रहा है, पर अगर तालिबान ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हमारे को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम भारत को मतलब होना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं तालिबान को, पाकिस्तान को, चाइना को मिलकर उनका सामना करने का। हमारे को उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो चाहे अपनी महिलाओं को जो मर्जी करे। और आपको तालिबान की फिक्र क्यों होती है? कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ में हुआ, वो उसके लिए हिंदुस्तान में किसी ने आवाज नहीं उठाई, बिल्कुल एक भी FIR लॉन्च नहीं हुआ। तो अगर तालिबान वहां पे कुछ कर रहा है,
सडनली उसकी क्या फिगर हिंदुस्तान में आ रही है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, और ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं भारत से भी, जो तालिबान के क्रूर चेहरे का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उनके क्रूर चेहरे का समर्थन तो कर रही है भारत, तो भारत का गवर्नमेंट करे ना करे, लोग तो कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आपने, मैं कह रहा हूँ दोबारा, आपके 5 लाख कश्मीरी ओवरनाइट निकाल दिए गए, 6 महीने तक उनकी औरतों के साथ रेप होता रहा, तो हमने कुछ बोला नहीं, तो हम इसका मतलब तालिबान का भी हम समर्थन करेंगे। जब सारी दुनिया का अपने घर में समर्थन कर रहे हैं तो बाहर वाले में क्या उंगली उठाएंगे। लेकिन प्रफुल्ल जी, जो याराना पाकिस्तान दिखा रहा है, जो चीन दिखा रहा है तालिबान के प्रति, वो याराना भारत को भारी पड़ सकता है। ऐसे में भारत को किस तरह से आगे फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है? पहले हम तो आप कब से आपके चैनल पे कहते आ रहे हैं कि भारत को पूरे कदम उठाने चाहिए, और सबसे पहले ये तालिबान और सारी फोर्सेज मिलके कश्मीर का विभाजन करेंगे, भारत को कश्मीर से अलग करने की कोशिश करेंगे। हमको उसकी फिक्र करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हम उसके लिए पीओके को हासिल करें, पीओके में अपना आधिपत्य दिखाएं, और जम्मू और कश्मीर के अंदर सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल करें, और सारे जो स्लीपर सेल्स हैं उनके ऊपर अभियान चलाएं और उनको निकालें। ये नहीं कि उनको गोदी में बैठा के आप रखें, जैसे आपने बुरियत को किया हुआ है और करते रहे हैं। ये सारी की सारी हमारी कमजोरियां हैं, हमको इसकी बहुत फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो महिला विरोध लगातार जारी है तालिबान के खिलाफ, महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही हैं, सड़कों पर ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में लगातार अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए नजर आ रहा, अफगानिस्तान में अपने क्रूर मंसूबों को लागू करने के कवायद में लग गया है, जिसके तहत तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए कुछ फरमान जारी किया है जो पूरी तरीके से महिलाओं की आज़ादी को छीन रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे फरमान जो हैं लगातार जारी हो रहे हैं। लेकिन भारत को किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है, और भारत किस तरह से आगे कदम उठा रहा है, इस पर सबसे पहले नजर रखनी चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी में अबाया, रोब और नकाब पहनकर आएंगी लड़कियां, ऐसे फरमान जारी हो रहे हैं। नकाब से पूरी तरह खुद को ढकना होगा, लड़कियों का चेहरा ढका होना चाहिए, लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग अलग होनी चाहिए, अलग कतार में लड़के और लड़कियां बैठेंगे, लड़के और लड़कियों के बीच में पर्दा भी रहेगा। छात्राओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षक रखने का आदेश भी जारी किया गया है। ये तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को लेकर तालिबान ने एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया है। तालिबान ने भले ही स्कूल और कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी हो, लेकिन अभी छात्रों और अध्यापकों में डर का माहौल बना हुआ है। तालिबान का आदेश उन सभी निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जो 2001 में तालिबान के शासन के खत्म होने के बाद से फले फूले हैं। 2001 से पहले तालिबानी शासन के दौरान महिलाओं को पढ़ाई से वंचित रखना पड़ा था। इसके साथ ही उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए पुरुष रिश्तेदार को साथ ले जाना जरूरी होता था। आपको यह भी जानकारी मैं दे दूं कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानी महिलाओं को उनका हक देने का वादा किया था, लेकिन अब फरमान यह है कि महिलाओं घरों से ना निकले, क्योंकि अभी तालिबान के नए लड़ाके तमीज सीख रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा फिक्र वहां की महिलाओं की हो रही है। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव आने से पहले मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आए दिन राज्य में जहरीली शराब से लोगों के मरने की घटना सामने आ रही है, जिसमें जहरीली शराब की वजह से सबसे ज्यादा मौत आगरा में हो रही है। अब इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग शराब बिकवा रहे हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सड़क पर देखकर निकलो, मुकदमा हो सकता है, सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि चाचा के लिए जसवंत नगर की सीट छोड़ दी है, चाचा का पूरा सम्मान होगा, उनके साथ आने वालों का भी सम्मान लगातार होगा। तो आगरा पहुंचे अखिलेश यादव, जहां वो प्रदेश सरकार पर जमकर हमला करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि किसानों का सम्मान करना जरूरी है, सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए, सरकार को लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि किसान
परेशान ना हो, किसान नाराज ना हो। इसके अलावा जिस तरह से आगरा में शराब कांड बढ़ता जा रहा है, जहरीली शराब बिक रही है, बेची जा रही है, जहरीली शराब खरीदी जा रही है, बनाई जा रही है, इस पर अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो शराब है वो बीजेपी सरकार ही बिकवा रही है, इसी वजह से बिक रही है और बन रही है। आज का कार्यक्रम केवल इन परिवारों से मिलने का है, और जहां तक मुरादाबाद का सवाल है, अभी पार्टी के कई नेता हम सुनते हैं, उन्होंने एक सूची भी दी है हमें किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, अभी क्या बीमारी है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है। मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की बल्कि हर चीज की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए, और तीनों कानून जिसके लिए किसान इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो कानून वापस होने चाहिए। और कपीश श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपीश जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। तो कपीश जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आगरा से मिली है, जहां पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जसवंत नगर की सीट छोड़ दी है, चाचा का पूरा सम्मान होगा, उनके साथ आने वालों का भी सम्मान होगा। इससे कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि चाचा भतीजे का जो रिश्ता है वो सुधर सकता है, आगे कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है 2022 से पहले। अगर ऐसा होता है तो फिर एक अलग ही माहौल देखने के लिए उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कपीश श्रीवास्तव एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपीश जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। आवाज नहीं मिल रही है कपीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बहुत हल्की आ रही, बताएं। कपीश जी, अखिलेश यादव आगरा आज पहुंचे हैं, उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है, और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि चाचा के लिए सीट छोड़ दी है जसवंत नगर की। क्या रिश्ते अच्छे हो रहे हैं चाचा और भतीजे में? देखिए, बहुत स्पष्ट ये बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अभी पार्टी नहीं कह सकती है। उन्होंने एक बात ये चीज कही थी कि हम और चाचा कहीं अलग नहीं है और उनके लिए एडजस्टमेंट किया जाएगा, बातचीत चल रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखें जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर विनाश लीला चली है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसको हटाने के लिए पूरा किसान से लेकर के शिक्षक समाज, अधिवक्ता समाज, इंजीनियर समाज और सभी वर्ग धर्म के लोग जो है वो एकजुट हो चुके हैं समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के लिए। देखिए, आपने कहा कपीश जी आपने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर चाचा और भतीजे के रिश्ते सुधरते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले रिश्ते सुधरते हैं तो एक अच्छा खासा सपा को रिस्पॉन्स मिल सकता है। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात तो अपने आप में है कि चाचा भतीजा का रिश्ता थोड़ी ना मिट जाता है किसी। बिल्कुल, मैं एक चीज ये आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है कि तालमेल ना हो, तालमेल तो है ही है, और बात रह गई सीटों के एडजस्टमेंट की, वो अभी आगे समय में, आने वाले समय में हो जाएगी, वो एक कोई बड़ी बड़ा मसला समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, वो तो होना ही है। और शिवपाल जी ने भी पहले से कह रखा है इस बात को, और आप लोगों के बीच में कह रखा है कि वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लीड में जो है एक सरकार उत्तर प्रदेश में विकासकारी बने, जो विनाश लीला को इनके समाप्त करे भारतीय जनता पार्टी को, तो वो होने जा रहा है, और वो बस चंद महीनों का और इंतजार है उत्तर प्रदेश की जनता को। कपीश जी, आगरा में जिस तरह से जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है, आप इससे भलीभूति परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचे, वो कह रहे हैं कि जहरीली शराब जो है वो योगी सरकार बिकवा रही है। क्या 2017 से पहले जहरीली शराब नहीं बन रही थी या नहीं बिक रही थी या मौतें नहीं हो रही थी?
देखिए बहुत स्पष्ट ही बात है कि योगी सरकार एक संत की एक महंत की सरकार है, और आपने इस बात को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तब से कम चार बार ऐसी घटनाएं, सात बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें 100 लोग से ज्यादा की जान गई है, और वो आज भी कहीं ना कहीं से गठजोड़ जो रहा है इनके अपने नेताओं का और शराब माफियाओं का वो टूट नहीं सका है। आपने अभी इसके बीच में पहले भी आपने देखा कि जो बात उठी थी जिस अधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं हुई, उसका कारण था कि इनके विधायक का जो रिश्ता था, जो खुद बचाने की बात और कवायद करने की बात कर रहे थे, वो एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते थे और उनका उनका जो फ्लैट है वो भी उन्हीं ने ही खरीद करके दिया था, ये मसला सामने आया था। तो इसमें कहां दो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शराब माफिया है वो शराब माफियाओं से बहुत गहरा रिश्ता है, इसी वजह से एक दो बार नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कपिल जी, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर आपको प्रूफ देखना, हम कहते हैं अगर हमारी बातें सही नहीं है तो एक जांच बैठा लीजिए, न्यायिक जांच बैठा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए वो जांच तो मैं नहीं बैठा सकती ना, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ सकती हूँ कि कब विपक्ष के अंदर जो है एजेंसीज रही है, कब विपक्ष के पास एजेंसीज रही है, क्या कांग्रेस का जब घोटाला हो की बात आई या अन्य कॉमनवेल्थ घोटाले की बात आई या कोलगेट घोटाले की बात आई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो है प्रूफ था और आपने उनसे प्रूफ मांगे थे? देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे और जो सत्ता में सरकार है उनसे सवाल कर सकती हूँ, मैं यहाँ जांच बिठाने नहीं बैठी हूँ। दूसरी बात ये कि आप अगर कह रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा, तभी आप इतने कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं। आपके सामने अभी मैंने एविडेंसेस प्रस्तुत किए और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बचाने की इनकी कवायद चल रही थी, एक ही बिल्डिंग के अंदर वो शराब माफिया भी था और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं टेक किया गया, ना अपने विधायक के ऊपर टेक किया गया और क्या बोलते हैं शराब माफिया पे किया गया, क्यों इससे भी ज्यादा एविडेंसेस कुछ हो सकते हैं क्या? और जब लाशें गिर रही है, जो लाशें सामने है वो खुद में एविडेंसेस नहीं है क्या? यानी इन 4.5 सालों में जो भी सत्ता में सरकार है उसने सब कुछ खराब ही किया है। 2017 से पहले तो बहुत अच्छा था, उत्तर प्रदेश में सब खुश थे, सबके चेहरे खिले हुए थे। हाँ कपिल जी, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब अगर मीडिया को की आंख आपकी आंख ना देख सके तो हम क्या कह सकते हैं? विप्लवकारी सरकार है, एनसीबी के आंकड़े हैं, हमारी आंखें कपिल जी, हमारी आंखें 2017 से पहले भी इतनी तेज थी और 2017 के बाद भी उतनी ही तेज है। एमजे अकबर जो इनके अपने मंत्री थे, उन्होंने 35 महिला पत्रकारों के साथ यौनातक अत्याचार किया था, क्या FIR दर्ज हुई? मैं पूछता हूँ, आपने कभी पूछा कि एमजे अकबर पे FIR क्यों नहीं? ये कैसे संस्कार की पार्टी चल रही है जिसके अंदर जो है FIR तक कायम नहीं होती है, जहाँ महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल खेला जाता है। सवाल आपसे भी किए जाते हैं, सवाल सत्ता पक्ष से भी किए जाते हैं, लेकिन विपक्ष से जब जब सवाल किए जाते हैं पता नहीं क्यों बौखलाहट विपक्ष में हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बौखलाहट तो आजकल पत्रकारों में हो गई है, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, आप एविडेंसेस मांग रही है। देखिए हम वो पत्रकार नहीं है कपिल जी, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए पहले, आपको यह मालूम होना चाहिए कपिल जी, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए, संघीय धारा के अंदर आपकी बातें होनी चाहिए। कपिल जी मैं फिर कह रही हूँ कि अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए, हम वो पत्रकार नहीं है कि हमारे अंदर बौखलाहट हो, सही को सही और गलत को गलत। आपके अंदर साफ दिखाई दे रही है, जब आपके अंदर इतनी भी नॉलेज नहीं है कि एक FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद आप मुझे नॉलेज सिखाएंगे आपकी सरकार में क्या कुछ मालूम है, आपकी सरकार में क्या कुछ हुआ, आपकी सरकार में क्या कुछ हुआ, आप मुझे नॉलेज सिखाएंगे कपिल जी, आपको मालूम नहीं क्या? आप देखिए आपके अंदर कितनी बौखलाहट है, आप मुझे नॉलेज सीखने की बात कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज को दुरुस्त कीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार नहीं हूँ मैं, यही तो विपक्षी बौखलाहट है, यही बौखलाहट है, जब जब आपसे सवाल किया जाता है आप ऐसे ही बौखला जाते हैं। जिसको जो है मोदी मीडिया कपिल जी, आपसे जब जब सवाल किया जाता है ना तब आप ऐसे ही बौखलाहट हो जाती है आपके अंदर। अपनी जानकारी आप दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी आप दुरुस्त कीजिए, जिससे ये मालूम ही नहीं है कि पुलिस एजेंसी एविडेंसेस लेती है। तो मैं यहाँ पर जांच बैठाऊंगी क्या? मैं तो आपसे सवाल करूंगी, मैं यहाँ जांच बैठाने के लिए बैठी हूँ कपिल जी, मैं आपके लिए यहाँ जांच बैठाऊंगी कपिल जी, ये सरकार का गुस्सा यहाँ मत निकालिए कपिल जी, ये सरकार का गुस्सा यहाँ मत निकालिए, मेरी नॉलेज दुरुस्त मत कीजिए आप।
मैं बहुत नॉलेज लेकर यहाँ बैठी हुई हूँ, आपके अगर कच्चे चिट्ठे खोल दूँ तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। यहाँ पर दो हजार सत्रह के पहले आपकी सरकार के काले चिट्ठे खोल दूँ तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। आपके चीखने से आप मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे कपीश जी। कपीश जी आपके चीखने चिल्लाने से मैं चुप नहीं होंगी। सवाल आपसे भी होगा, सवाल सरकार से भी होगा। आपसे अगर सवाल होगा तो सरकार से भी होगा, सरकार से भी सवाल होगा कपीश जी, सरकार से भी सवाल होगा, आपसे भी होगा। आप बच नहीं सकते हैं। आप क्या एफआईआर कर रहे हैं? आप क्या एफआईआर कर रहे हैं? आप मैं यहाँ पे एफआईआर कराने बैठू? मैं यहाँ जांच बैठाऊ? क्या आप खुद रहे प्रूफ आपके पास है नहीं है और मेरे से बोल रहे कि मैं एफआईआर कराऊ? कपीश जी ये है ना सरकार को गुस्सा, मेरे ऊपर आप मत निकालिए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए बस। क्योंकि जो आपके प्रश्न है वो निर्मूल है और आपको इतना भी सेंस नहीं है कि आप विपक्ष से इवेंचुअल मांग रहे हैं। आप सेंस सिखाएंगे मुझे? आपसे मैं सेंस सीखूं? आपसे मैं सेंस सीखूं? आपको खुद पता है कि आप क्या बोल रहे हैं और किससे क्या बातें की जाती है? आप मेरे को बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए? मैं एफआईआर दर्ज कराने बैठी हूँ यहाँ पर। अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए पहले और अपने बोलने का तरीका दुरुस्त कीजिए पहले। आप अपने बोलने का तरीका दुरुस्त कीजिए पहले। आप अपने बोलने, आप मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता कैसे की जाती है, मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता। आप अपना काम कीजिए, आप जनता को देखिए अपनी और 2022 के चुनाव देखिए। 2022 के आप चुनाव देखिए, आप मुझे पत्रकारिता मत सुनाइए, ना सिखाइए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको एविडेंस मालूम है कि इंडिया ने एविडेंस एक्ट आप एविडेंस। अरे आप मेरे को ये क्यों बता रहे हैं? आप मुझे, आपने सीधा बोला, मैंने आपसे पूछा कि आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है नहीं है, उल्टी बातें कर रहे हैं आप। प्रश्न करके उत्तर लीजिएगा, मैं उत्तर लूंगी ना। आप आवाज उठाइए ना, आप बाहर निकलिए। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं राजनीति करने के लिए तो आप आ जाते हैं? अरे मैं क्यों? अरे कपीर जी मैं आपके आवाज दबाने नहीं बैठी यहाँ पर। अरे कपीर जी आप गलत समझ रहे हैं। आपके आप अपना दिमाग दुरुस्त कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं, ये वो चैनल नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं आप। मैं दोबारा आपसे बोल रही हूँ, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। और अरे क्या एविडेंस? एविडेंस कर आप दिखा दीजिए ना एविडेंस। मैं एविडेंस लेके बैठी हूँ यहाँ पर। चलिए इतना समय नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो सपा सरकार लगातार बौखलाहट में उलूल जुलूल बयान देती हुई नजर आती है। अगर इनसे सवाल पूछ ले तो ये उल्टा पत्रकारों पर हमलावर हो जाते हैं और बीजेपी के पत्रकार कहना शुरू कर देते हैं। और खुद क्या करते हैं आपने पूरा सुनी लिया होगा। आगरा में अखिलेश यादव पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि ये सरकार जो है वो शराबियों को पूरी तरह से इनका सहयोग करती है। ऐसा 2017 से पहले की अगर आप रिपोर्ट उठाकर देखेंगे सपा सरकार भी, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और यहां पर अगर इनसे बात करने बैठ जाओ, इनसे सवाल करने बैठ जाओ कि उल्टा पत्रकारों पर और महिला एंकर्स पर चिल्लाने लगते हैं और जानकारी दुरुस्त करने की बात करते हैं। 2017 से पहले क्या आप रिपोर्ट उठाएंगे तो आपको जानकारी होगी कि 2017 से पहले शराब माफिया कितने ज्यादा उनके बुलंद हौसले थे, कितनी मौतें शराब पीने से हुई थी। और इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम घोटाले हैं। चलिए आगे बढ़ते, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश में अवैध शराब बनाने वाले शराब माफियाओं पर पुलिस ने सिकंजा कसा है। आपको बता दें कि बिजनौर सीओ अफजल गढ़ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव मसनपुर में शराब माफियाओं की तरफ से अवैध कच्ची शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाकर सप्लाई की जा रही थी। वहीं पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब और 300 लीटर लहन शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर बिजनौर में अवैध शराब बनाने वालों की धरपकड़ लगातार जारी है। बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शराब बनाने वालों की धरपकड़ लगातार जारी है। जहां एक तरफ सपा लगातार सरकार पर आरोप लगाती हुई आती है, तो वहीं सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है ऐसे माफियाओं पर सिकंजा कसने की जो जहरीली शराब का निर्माण कर रहे हैं और बेच रहे हैं।
उच्च अधिकारी गणों के निर्देशानुसार जनपद बिजनौर पुलिस निरंतर जो है अवैध शराब निर्माताओं, बिक्री करने वालों एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध जो है अभियान चलाए हुए है। इसी क्रम में कल दिनांक 5 तारीख को सी ओ अफजलगढ़ को सूचना मिली थी कि मैशन गांव में जो है कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। इस क्रम में वहां जो है थाना अफजलगढ़ की पुलिस ने दबिश दिया और वहां से 25 लीटर अवैध शराब कच्ची और करीब जो है 300 लीटर लहन को वहां नष्ट किया। इसके अलावा वहां शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।